अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा ये जो लेसन है यह फोर्थ क्लास के इंग्लिश से यह है विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। तो ये हमने पढ़ लिया है, अब इसके एक्सरसाइजेस हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज जॉय सैड, जॉय मायूस क्यों था। जॉय जो है, जॉय एक आदमी का नाम है जो इस कहानी में आपने पढ़ा है उसके बारे में कि वो बेकार था क्योंकि उसके पास काम नहीं था, काम नहीं था कि वो कुछ कमा लेता पैसे। तो इसलिए अब जॉय का ये सैड क्यों था, ये क्यों मायूस था, हम कहेंगे इसका आंसर जो है जॉय वाज सैड बिकॉज ही हैड नो जॉब टू अर्न मनी, उसके पास पैसे कमाने के लिए ये काम नहीं था। क्वेश्चन नंबर टू, ये हाउ वाज जॉय रिवार्डेड फॉर हिज ऑनेस्टी। तो इसने कुछ ईमानदारी का काम किया था। हाँ, जॉय ने कौन सा काम किया ईमानदारी का, जॉय ने किसी की जो पड़ा हुआ सामान था कहीं पे तो वो उसको हवाले कर दिया, उसके घर उस पुलिस के थ्रू उसके घर वालों को पहुंचा दिया, उस दिन घर वो था वो सामान जिनका गिरा हुआ था नीचे तो कुछ वो उसको दे दिया वापस। तो उससे उसको इनाम मिला, क्या इनाम मिला उनको, वो आए उसके घर और उसको अपने घर में बागबानी का काम दे दिया, तो इस तरह से उनको इनाम दे दिया, उन्होंने उसका रिवार्ड दे दिया, इनाम दे दिया उसकी ईमानदारी के लिए। तो हम कहेंगे कि मार्थास पेरेंट्स, वो मार्थास जो थी उसका वो नेकलेस था, हाँ वो नेकलेस था उसका गिरा हुआ था जो इन्होंने वापस दिया था, तो उसके उसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसको मार्थास पेरेंट्स ऑफर जॉय द जॉब ऑफ ए गार्डनर। तो उसके जो पेरेंट्स थे मार्थास के वो आए और उन्होंने जॉय को अपने घर में अपने बाग में माली का काम दे दिया, गार्डनर का काम दे दिया। गिव द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो अब उसके बाद दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि इनके ये दो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए एक्सलेंट है और दूसरा वेज, इनका आपने लिखना है मीनिंग। तो मीनिंग एक्सलेंट क्या होता है, एक्सलेंट का मतलब है बहुत अच्छा काम जो होता है, बहुत ठीक होती है कोई चीज, कोई काम किया होता है कोई अच्छा करेगा तो उसको हम कहेंगे एक्सलेंट, वेरी गुड इसको कहेंगे दूसरे अल्फाज में वेरी गुड, और उर्दू में हम कहते हैं बेहतरीन यानी उम्दा काम। तो दूसरा है बी वेजेस, वेज होता है रिवार्ड फॉर वर्क, अगर कोई काम करता है उसको क्या इनाम दिया जाता है, काम के बदले में उसको पैसा दिया जाता है तो उसको हम कहेंगे वेजेस देना, वेजेस को उर्दू में क्या कहेंगे उजरत। तो यहां तक ये आपका लेसन जो है इसमें इतना सही है, थोड़ा सा इसमें जो काम दिया गया है असाइनमेंट के तौर पे तो ये आपको याद करना है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।